तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो क्या बताएं दोस्तों, अभी तो हमारी दोनों बहनें घर पे हैं नहीं, क्योंकि गई हैं सब वहाँ पे अश्विन के पापा के साथ। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सोचें कि थोड़ा किचन उचन साफ कर लें, तो वही कर रहे हैं क्योंकि घर पर कोई है नहीं ना इसके लिए। क्या बताएँ आप लोगों से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों, क्या हम बताएँ। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, तो घर पर कोई है नहीं और सारा मतलब जिम्मेदारी हमको सौंप के गई है कि दीदी देखिएगा घर उर हम जा रहे हैं, तो हम बोले हैं कि ठीक है जाइए, हम देख रहे हैं घर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा है, उसी टेंशन में वो भी रह गया। क्या बताएं हम लोगों को, माता रानी चली गई और कलसा यहीं पर रह गया। तो अब कहीं मतलब पोखरा उखरा मतलब देख के कहीं जाकर वहीं पर दबाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे। और क्या बताएं दोस्तों, बहुत ज़ोर से सर में दर्द है, बोला ही नहीं जा रहा है, और क्या करें, बना रहे हैं दोस्तों। रात को तो इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हो गया था, कहिए मत। क्या बताएं आप लोगों से, सारा फंक्शन मतलब सब कुछ तैयार हो गया था दोस्तों, और शाम को आए अश्विन के पापा। तो उसके बाद आने के बाद अचानक फिर से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उल्टी उल्टी होने लगा। तो इसके लिए दोस्तों फिर से उनको लेकर भागना पड़ा हॉस्पिटल, तो सब उधर ही चले गए दोस्तों, और सारा फंक्शन बेकार गया दोस्तों, कुछ भी नहीं हो पाया। और जितने मतलब मेहमान आए थे, सभी मेहमानों को मतलब बोल दिए सब खाना वाना खा लीजिएगा और अपने अपने घर मतलब चले जाएगा, जिसको रहना है रहिएगा, जिसको नहीं रहना है मत रहिएगा, मतलब चले जाइएगा। तो दोस्तों एकदम ऐसा तो ज़िंदगी में मतलब हम कभी नहीं देखे थे, इतना बड़ा मतलब घटना होती कि इतना बड़ा सब कुछ खर्चा करके दोस्तों सालों ही दोस्तों बहुत रो रही थी। क्या बताएं दोस्तों, किसी के मतलब हो जाएगा ऐसा तो रोना ही आएगा ना। और कन्हैया भी दोस्तों शाम से घर पे है नहीं, और वो भी वहीं पर हैं अश्विन के पापा के पास। दोस्तों हम नहीं जा पा रहे हैं, इसके लिए हमको बहुत मतलब दुख हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारे दो बच्चे हैं ना, तो उन लोगों को लेकर हम कहाँ जाएंगे। इनके पापा भी नहीं है कि मतलब साथ में लेकर मतलब बाइक से जाएंगे, और वो रहते हैं तो टेंशन नहीं रहता है दोस्तों, मतलब ले कर चले जाते हैं, अपनी गाड़ी रहती है, किसी का मतलब चिरौरी नहीं करना पड़ता है। और हम किससे बोलेंगे कि हमको लेकर चलिए, और साथ में हमारे दो बच्चे हैं जो कि वो भी मेरे बिना रहते ही नहीं हैं, हम कहाँ बताएँ दोस्तों आप लोगों से। और इधर फंक्शन तो एकदम बेकार हो गया, कोई नहीं कुछ नहीं, कोई तैयारियां नहीं हुई दोस्तों, बस वैसे सब लोग खाना वाना खा लिए, और जितने मेहमान थे वो सब अपना अपना मतलब खा पी के जाके कोई छत पे सोया था, कोई उत्थी में मतलब दोस्तों उस वो क्या बोलते हैं टेंट हाउस में कोई मतलब सोया था, और सब रूम में भी सोए थे। बहुत मेहमान हैं दोस्तों, और बहुत मेहमान शाम को ही चले गए, क्योंकि कोई घर पर था ही नहीं, तो मतलब कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। हम भी थे और अश्विन की मम्मी थी, तो दोस्तों हम ही लोग देख रेख कर रहे थे। अभी दोस्तों हम झाड़ू मतलब झाड़ू यहाँ सवाल सब लगाए हैं, अभी बाहर वैसे एकदम छीछी इधर पड़ा है, और जानकी तो बर्तन धुल रही है पैप पर, तो हम सोचे हैं कि चलते हैं, तब तक तो पूछा अच्छा मान लेते हैं, देख लीजिए लेकर सोचे हैं कि थोड़ा एक ब्लॉग बना लें। क्या करें दोस्तों, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। शबनम भी चली गई दोस्तों, अश्विन रात को रोने लगा, तो उनको भी लेकर जाना पड़ा, क्योंकि मतलब अपने बुआ के साथ नहीं जा रहा था, उनकी बुआ गई है बड़ी वाली, तो बुआ के साथ नहीं जा रहा था, रो रहा था। तो कन्हैया बोले कि शबनम तुम लेकर चलो, तो दोस्तों उसी के मतलब अश्विन को लेकर गई हैं, तो वो भी वहीं पर रुक गई हैं, और दोनों बहनें हमारे वहाँ पे दोस्तों। हम यहाँ पर मतलब हम कैसे हैं हम ही जान रहे हैं दोस्तों, मजबूरी में हैं यहाँ पर हम कॉल किए थे सुबह, तो मतलब ठीक हैं, अभी बात उत हुआ है, तो अब देखते हैं क्या होता है, हमारे हस्बैंड जी आते हैं कि नहीं आते हैं दोस्तों, बहुत दूर गए हैं, और अम्बेडकर नगर और गए हैं दोस्तों गन्ना वन्ना लेने के लिए, क्योंकि अभी कोई मतलब उत्थी नहीं हुआ है कि लिया गया कि नहीं लिया गया है, तो ये सब बात है। तो आएंगे तो हो सके तो हम लेकर जाएंगे उनको दोस्तों,
देखने के लिए क्या करें दोस्तों, एकदम टेंशन से दिमाग नहीं काम कर रहा है कुछ भी। और चलिए हम आपको आप लोगों को बाहर दिखा दें कि क्या क्या हो रहा है, मतलब कैसे कैसे सब एकदम छीछे लेदर पड़ा है दोस्तों। अंदर का तो हम साफ सफाई कर दिए हैं, अभी वही बाहर का एकदम वैसे ही पड़ा है। आप लोगों से बताएं और अभी चलें, देख लीजिए सब साफ सफाई, मतलब झाड़ू पोछा सब हो गया है। इधर देख लीजिए सब साफ सफाई कर लिए। देखिए दोस्तों इधर जानकी हैं जो कि बल्टी पकड़ है नहीं, देखिए इतना सारा बर्तन वर्तन धुल दिए हैं, धुल के अभी धुल रही हैं दोस्तों। देख लीजिए अकेले क्या कर रहे दोस्तों, हम झाड़ू वाड़ू लगाए हैं और जानकी बर्तन वर्तन धुली हैं। और इधर देख लीजिए आप लोग एकदम फंक्शन खराब गया, हम क्या बताएं आप लोगों से, भगवान ना करे किसी के साथ। और देख लीजिए जो कि बड़ा बड़ा लेके बच्चे हैं सब खेल रहे हैं, और देख लीजिए सजावट कैसी हुई थी। क्या कर सकते हैं दोस्तों हम लोग, अभी दोस्तों उतना सारा देख लीजिए भी है, अभी आप लोगों के साथ देख लीजिए उतना सारा बल्कि धुल रहा है, कोई है भी नहीं कि धुलवा लो हम लोग। तो अभी हम जान के चल रहे हैं उसको धुलेंगे। और देख लीजिए एकदम घर अच्छा ही नहीं लग रहा है, अभी यहाँ से सब चिक्कर करना बाकी है, क्या बताएं। मन नहीं कर रहा है वीडियो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी, पर क्या करें दोस्तों, वीडियो वाला तो बनाना पड़ेगा। बहुत शर्मिंदा हो रहा है, और दोस्त हमारी ननद आई थी तो वो रात को ही चली गई, बोल रही हैं कि हमको घर पे जाना है, हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों सबका वही बात है, और दोस्तों देखिए मेरा बेटा भी पढ़ने नहीं जा पाया ऋषि, क्योंकि हम यहीं पर हैं और मतलब यहाँ पे खाना वाना बन के मतलब तैयार नहीं हुआ है, 7 बजे उनको पढ़ने जाना होता है। तो दोस्तों हमारा तबीयत ठीक नहीं था, इसके लिए हम सोए थे, तो मतलब 6:30 बजे उठे हैं दोस्तों। तो उठे हैं तो अभी झाड़ू वाड़ू लगाए हैं, और जानकी हम मिलकर बर्तन वर्तन मतलब बर्तन धोली, हम झाड़ू वाड़ू लगाए पोछा ओछा, और अब चल रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा ब्रश व्रश करते हैं, उसके बाद क्या बताएं दोस्तों, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। हम लोग सोचे थे कि कितनी खुशियाँ हैं दोस्तों, हम लोग बहुत सब कोई सोच रहा था कि हम लोग क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, मतलब इतना खुशी मनाएंगे, पर कुछ नहीं हो पाया दोस्तों। बस भगवान से दुआ कीजिएगा आप लोग कि जल्द से जल्द अश्विन के पापा ठीक हो जाएं और घर आ जाएं दोस्तों। बस हम तो यही दुआ कर रहे हैं भगवान से कि जल्द से ठीक हो जाएं और घर पे आ जाएं। और क्या बताएं दोस्तों, मेरा गला एकदम ना जैसे लग रहा है कि ऐसे एकदम कोई कस के चाप दिया है, इसके लिए गला वाला बैठ गया है। और कल सब्सक्राइबर लोग आए थे ना, तो उन लोगों के चैनल में भी बोलना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इतने दूर से चल के आए थे, बोलने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी बोल रहे थे क्या करें, एकदम गला बैठ गया है और गला में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं कि मंजन जल करेंगे, उसके बाद जो कुछ भी होगा हम आप लोगों को दिखाएंगे और बताते रहेंगे, ठीक है। और अब देखते हैं कब तक आती हैं सब, कब तक नहीं आती हैं, समझ तो कुछ आ नहीं रहा है अभी। तो दोस्तों बात हुआ है तो मतलब ये नहीं पूछे कि कब तक आओगे सब, कब तक नहीं, अभी देख रहे हैं कि अश्विन के पापा का तबीयत, मतलब वीडियो देखे हैं दोस्तों कि मतलब ख़राब है, तो अब लग रहा है कि दो एक दिन भर्ती रहेंगे, उसके बाद ही कोई काम हो सकता है। क्या बताएं दोस्तों, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे जैसा कल हुआ है। सब कोई दोस्तों इतना खुशी का बात था ना, तो सब और सबको रोना पीटना पड़ा था, सब कोई रो रहा था, कोई भी मतलब खुश नहीं था दोस्तों, क्या बताएं आप लोग आप लोगों से। तो दोस्तों चलिए वीडियो हो रहा है बहुत ही लंबा, तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।